हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिश कुमार और आप देख रहे हैं टिप टॉप टीच। आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में आपको फोटो एडिटर के बारे में, जिससे आप एक ही ऐप से सारा काम कर सकते हैं। चाहे तो आपको फोटो एडिट करना हो, चाहे तो आप उसे फिल्टर करना चाहते हैं, चाहे उसे कलर फ्रेम में ऐड करना चाहते हैं, तो आप इसी ऐप्स के थ्रू सारा काम कर सकते हैं। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो नीचे बटन से क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं आपके लिए काफी बढ़िया बढ़िया वीडियो हमेशा लेकर आते रहता हूँ। अगर अच्छा लगता है प्लीज वीडियो का दिल से दिल शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, जो कि लिंक नीचे दिया हुआ। चलिए शुरू करते हैं। चलिए करना क्या, सबसे पहले आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में जाएं, ऊपर सर्च करें एस फोटो एडिटर। जैसे ही आप सर्च करेंगे एस फोटो एडिटर, तो आपको फर्स्ट में जो कि इस टाइप का लोगो वाला ऐप्स दिखा देगा। आप देख सकते हैं जो रेटिंग जो कि काफ़ी बढ़िया दिया गया है, जो कि 4.3 का। आप देख सकते हैं जो कि इसका 10 मिलियन जो कि डाउनलोडिंग हो चुका। नीचे कमेंट्स पढ़ सकते हैं जो कि काफ़ी बढ़िया कमेंट्स दिया गया। जैसे इंस्टॉल हो जाने के बाद आपके फ़ोन के डिस्प्ले पर इस टाइप का इसका लोगो दिखाई देगा। इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से इसे क्लिक करके डाउनलोडिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसे ओपन कर देना। जैसे ही ओपन करेंगे तो आप कुछ आपको इस टाइप का यहाँ पे पेज आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आपको इफ़ेक्ट्स मिल जाता है। यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे तो आपको ढेर सारा इफ़ेक्ट्स मिल जाता है। जो भी इफ़ेक्ट्स लगाना चाहते हैं अपने फ़ोटो पे, तो आप यहाँ से क्लिक करके उस पर लगा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि कैमरा का आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे कैमरा पे, तो आप हैंड टू हैंड फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ से आप इसे फिल्टर कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे इस तरह से आप यहाँ से इसे क्लिक कर सकते हैं। चाहे तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो कि यहाँ से फ्लैश लाइट का जो कि ऑप्शन मिल जाता है, चाहे तो ऑन या ऑफ कर सकते हैं। चाहे तो आप इसमें कॉलेज फ्रेम ऐड कर सकते हैं, यानी एक बार में कितना फ़ोटो क्लिक करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। यहां से आपको टाइमिंग का ऑप्शन मिल जाता है, आपकी ऑटोमेटिक फ़ोटो खींचने का जो कि टाइमिंग सेट कर सकते हैं। यहां पे देख सकते हैं जो कि ब्यूटी है, जो कि ऑन या ऑफ कर सकते हैं ब्यूटी। यहां पे देख सकते हैं जो कि आप कैमरा जो कौन सा कैमरा यूज़ करना चाहते हैं, फ्रंट कैमरा या बैक कैमरा, तो आप यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं। जैसे ही फ़ोटो क्लिक करेंगे आप यहाँ पे, जैसे जो फोटो क्लिक होकर जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, चाहे तो आप इसे यहाँ डायरेक्टली फ़िल्टर कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप यहाँ से कहीं भी शेयर करना चाहते हैं फेसबुक या व्हाट्सएप पे, तो आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसे प्राइवेट में सेव करके रख सकते हैं, आप इसमें लॉक करके इस फ़ोटो को रख सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ से डायरेक्टली इसे डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप बाइक आएंगे तो आपको यहाँ पे कॉलेज फ्रेम जो कि आ जाएगा। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप एक बार में 9 फोटो सिलेक्ट करके आप उसे कॉलेज फ्रेम में रख सकते हैं। इस तरह से आपको सिलेक्ट करना, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना स्टार्ट पे। जैसे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आप किस टाइप का फ्रेम में रखना चाहते हैं यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से रख सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड जो कि चेंज कर सकते हैं। इस तरह से देख सकते हैं फ्रेम भी, आपको कितना बड़ा फ्रेम रखना चाहते हैं इस तरह से यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे जब आपको कंप्लीट हो जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि यहाँ पे भी इस तरह से आपको यहाँ पे इस तरह का फ़िल्टर मिल जाता है, जो कि आप यूज कर सकते हैं। फिर जब कंप्लीट हो जाने के बाद आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो अब ये फ़ोटो आपका सेव हो जाएगा, जिस तरह जो कि सेव फ़ोटो हो चुका। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि एडिट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। जो भी आप अपने फ़ोटो को एडिट करना चाहते हैं तो सीधा आपको वहाँ से सिलेक्ट करना है। अब चाहे तो इसमें अधिक जो भी फ़िल्टर यूज करना चाहते हैं तो आप इसमें लगा सकते हैं, चाहे तो यहाँ से डायरेक्टली आप एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना इसका ब्राइटनेस चाहिए। इस तरह से आप यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ सेटिंग का लोगो बनाओ, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ढेर सारा आ जाता है। अगर कोई स्टिकर लगाना चाहते हैं तो आप ये स्टिकर इस तरह से काफ़ी बड़े बड़े स्टिकर लगा सकते हैं, जो कि जिम का है, कि काफ़ी बढ़िया बढ़िया अपने कार्टून टाइप का आपको ये मिल जाता है। आपको जो भी लगाना आप ये इसमें लगा सकते हैं, इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं। आपको इसमें मिरर इफेक्ट मिल जाता है, इस तरह से आप मिरर इफेक्ट जो कि यूज कर सकते हैं, कि काफ़ी बढ़िया बढ़िया इसमें मिरर इफेक्ट आपको मिल जाता है। इस तरह से आपको फ्रेम मिल जाता है, जो भी फ्रेम आपको अच्छा लगे आपको यहाँ इस तरह से आपको क्लिक कर देना। देख सकते हैं जो कि काफ़ी बढ़िया बढ़िया आपको फ्रेम इसमें मिल जाता है। फिर इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें जो कि चाहे तो आप क्रॉप भी कर सकते हैं। जब कंप्लीट हो जाने के बाद आपको यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन, उसे सेव कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो कि PIP है, जहाँ पे इसे क्लिक करेंगे तो आप इसमें फ़ोटो क्लिक करने का ऑप्शन आएगा। आप जो भी इसमें आपको अच्छा लगे इस तरह से आप यहाँ से इसे क्लिक कर सकते हैं।
इस तरह से आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, जो भी आपको फ्रेम अच्छा लगा इस तरह से आप सिलेक्ट करके इसे क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बढ़िया बढ़िया इसमें आपको इसमें फ्रेम मिल जाता है। क्लिक करने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको यहाँ से ऑटोमेटिक जो कि क्लिक हो जाएगा, चाहे तो आप ये टाइमिंग यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से आप टाइमिंग इसका ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जो कि टाइमिंग यहाँ से ऑफ या ऑन कर सकते हैं। इस तरह से काफ़ी बढ़िया बढ़िया आप इसमें एडिट कर सकते हैं, आप जो भी फ़ोटो एडिट एडिट किए हैं या खींचे हैं तो आपको यहाँ पे आपको सेव मिल जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो का अधिक से अधिक शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।